Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Munazza Noman from Easy English. Past indefinite tense. Exercise number 3. Grammar and Composition Book. Solution of Unsolved Exercise. उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की. Past indefinite. पिछली वीडियो में हमने शेयर किया था कि past indefinite में हम second form use करेंगे. लेकिन इन दैट केस कि अगर वो अफॉर्मेटिव सेंटेंस होगा यानी कि मस्बत जुमला होगा. अगर वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो फिर ऑक्सिलरी यूज़ होगी डिड नॉट और डिड और उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म. दे डिड नॉट एक्सेप्ट आर इनविटेशन. डिड नॉट ऑक्सिलरी यूज हुई फॉर्म फर्स्ट एक्सेप्ट फॉर्म से के एक्सेप्ट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड. अगर ये नेगेटिव सेंटेंस ना हो हमने यूँ जुमला बनाना हो कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की तो फिर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे दे एक्सेप्टेड आर इनविटेशन. लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस है हमने डिड नॉट यूज़ किया तो फिर फर्स्ट फॉर्म एक्सेप्ट. दे डिड नॉट एक्सेप्ट आर इनविटेशन. क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद दी. देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ऑक्सिलरी यूज़ होगी डिड. जब हमने डिड सेंटेंस में यूज़ करना है तो फॉर्म फर्स्ट यूज़ करेंगे. फॉर्म्स देखिए कॉन्ग्रेचुलेट कॉन्ग्रेचुलेटेड कॉन्ग्रेचुलेटेड. फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे डिड के साथ. डिड योर फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस. अगर हम इसे मस्बत जुमला बनाते हैं तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद दी तो फिर हम कैसे बनाएंगे सेकंड फॉर्म यूज़ करके. योर फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेटेड यू ऑन योर सक्सेस. योर फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेटेड यू ऑन योर सक्सेस. लेकिन जब इंट्रोगेटिव है क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद दी. डिड योर फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस. Who swept the room? कमरे में झाड़ू किसने दिया. जब किस कैसे कब कहाँ जैसे वर्ड्स जुमले में आते हैं तो इनको स्टार्ट में लगाते हैं. देखिए who swept the room? Forms sweep, swept, swept. इस सेंटेंस में did हमने यूज़ नहीं किया इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगाई swept. उन्होंने तुम्हारा इस्तकबाल कैसे किया. कैसे के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे how. और जब हम इसमें डिड यूज़ करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फॉर्म फर्स्ट. हाउ डिड दे रिसीव यू. हाउ डिड दे रिसीव यू फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की. ओके क्या तुम्हारे दोस्तों ने ये खेल पसंद किया. देखिए फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. फॉर्म्स देखिए लाइक लाइक्ड लाइक्ड. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने ऑक्सिलरी यूज़ करनी है कौन सी डिड. और डिड जहाँ पर यूज़ होगा साथ फॉर्म होगी फर्स्ट. वेरी गुड. ओके डिड योर फ्रेंड्स लाइक दिस गेम. डिड योर फ्रेंड्स लाइक दिस गेम. उसने अपनी तमाम जायदाद फरोख्त ना की. कौन सा सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी कौन सी होगी डिड नॉट. और फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेल. ही डिड नॉट सेल होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी. होल ऑफ हिज यानी कि सारी की सारी तमाम. ही डिड नॉट सेल होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी. डिड नॉट सेल. फॉर्म्स देखिए सेल सोल्ड सोल्ड. डिड नॉट के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की सेल. बावर्ची ने चावल किस तरह पकाए. किस तरह हाउ को हम स्टार्ट में यूज़ करेंगे. बावर्ची को कहते हैं कुक और पकाने को भी कहते हैं कुक. तो जो फर्स्ट सेंटेंस हमने बनाया हाउ डिड द कुक कुक राइस. द कुक पहले नाउन है यानी कि बावर्ची और कुक राइस चावल पकाए. हाउ डिड द कुक कुक राइस. कुक को शेफ़ भी कहते हैं इसलिए इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं. How did the chef cook rice? Form देखिए हमने first use की है क्योंकि interrogative sentence है और auxiliary हम did use कर रहे हैं इसमें. मैंने अपने वालिद को डाक से ख़त ना भेजा. कौन सा sentence है. Negative sentence. Negative sentence में auxiliary लगाएंगे did not और form लगाएंगे first. Send. Send, sent, sent. Did not के साथ first form sent. I did not send a letter to my father by post. मजीद ने दोनों हाथों से दौलत क्यों उड़ाई. दौलत उड़ाना बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स. ये इडियोमेटिक फ्रेज है. देखिए अब क्यों उड़ाई. क्यों से हम स्टार्ट करेंगे वाई. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे डिड और फॉर्म फर्स्ट. वाई डिड मजीद बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स. वाई डिड मजीद बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स. फॉर्म्स आपके सामने ऑरेंज कलर में लिखी हुई है बर्न बर्नड बर्नड. लेकिन हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की डिड के साथ. क्या ऑफिसर ने अपने चपरासी को तब्दील ना किया. नेगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव भी यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बोथ.
ऑक्सिलरी कौन सी लगेगी? डिड स्टार्ट में लगेगा और नॉट सब्जेक्ट के बाद. डिड द ऑफिसर नॉट और फॉर्म यस फर्स्ट फॉर्म ट्रांसफर हिज पीएन. डिड द ऑफिसर नॉट ट्रांसफर हिज पीएन? क्या ऑफिसर ने अपने चपरासी को तब्दील ना किया? क्या मजिस्ट्रेट ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया? रंगे हाथों पकड़ना कैच रेड हैंडेड. क्या मजिस्ट्रेट ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया? देखिए इंट्रोगेटिव जुमला है. डिड द मजिस्ट्रेट कैच हिम रेड हैंडेड? डिड द मजिस्ट्रेट कैच हिम रेड हैंडेड? क्या मजिस्ट्रेट ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया? हवाई जहाज अड्डे पर कब उतरा? कब स्टार्ट में हम लगाएंगे वेन. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ऑक्सिलरी लगेगी डिड और फॉर्म लगेगी फर्स्ट. उतरा लैंड. वेन डिड द एरोप्लेन लैंड ऑन द एयरपोर्ट? When did the aeroplane land on the airport? क्या तुमने प्रवास से लुत्फ उठाया? Interrogative sentence. Auxiliary did. Form first. Enjoy. Did you enjoy the flight? Flight प्रवास. क्या तुमने प्रवास से लुत्फ उठाया? Did you enjoy the flight? मालगाड़ी मुसाफिर गाड़ी से कहाँ टकराई? Interrogative sentence है. और कहाँ इसमें वर्ड है कहाँ के लिए? Where. Where did the goods train collide with passenger train? Goods train मालगाड़ी और passenger train मुसाफिर गाड़ी. Collide टकराई. Where did the goods train collide with passenger train? तुमने मुझे फैसले से आगाह ना किया. ना किया negative sentence. Auxiliary did not. Form first. You did not inform me the decision. तुमने मुझे फैसले से आगाह ना किया. You did not inform me of the decision. You did not inform me of the decision. Okay. Thanks a lot, dear friends. Keep learning, keep excelling. Take care.